पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों मार्च 2023 दे विच अठवीं जमात की जिहड़ी प्रीख्या लिती गई सी उहदा अज असी हैडक्वार्टर दे विच असी रिजल्ट डिकलेयर किया है। जिहड़ी पास परसेंटेज हैगी है स्टूडेंट्स की वह 98.01% है। 298,123 स्टूडेंट अपीयर होए सी और उन्होंने 292,206 स्टूडेंट पास होए है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों अज अठवीं का नतीजा घोषित किया गया है ते नतीजा किस तरीके नाल रहा है पिछले साल तो इस बार का नतीजा किस तरीके नाल वखरा है इसी बारे गल करते हैं। साडे नाल PSEB दे जिहड़े वाइस चेयरमैन वरिंदर भाटिया जी गल करते हैं। वरिंदर जी सब तो पहला स्वागत है PTC न्यूज़ से। हाँ जी सर अज रिजल्ट डिकलेयर किया तुसीं अठवीं का थोड़ा उसके बारे दा। जी 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 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों मार्च 2023 दे विच अठवीं जमात की जिहड़ी प्रीख्या लिती गई सी उहदा अज असी हैडक्वार्टर दे विच असी रिजल्ट डिकलेयर किया है। मैं कुछ खास गल्लां जरूर सांझियां करना चाहवांगा अपने साथियों दे नाल इस रिजल्ट्स दे बारे। और सब तो पहले तो जिहड़ी पास परसेंटेज हैगी है स्टूडेंट्स की वह 98.01% है। 298,123 स्टूडेंट अपीयर होए सी और उन्होंने 292,206 स्टूडेंट पास होए है। कुड़िया की पास परसेंटेज मुंडिया की पास परसेंटेज तो बेहतर नोट की गई हैगी है 98.68 कुड़िया की पास परसेंटेज है और मुंडिया की पास परसेंटेज जी है 97.41 है। इस तो इलावा ट्रांसजेंडर साढ़े को जिन्हें भी स्टूडेंट अपीयर हुए सी बोर्ड के रिजल्ट 100% रहा है और वो सारे दे सारे पास हुए है। सो गवर्नमेंट स्कूल्स की पास परसेंटेज भी बहुत अच्छी है 97.88% है। नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स की 99.12% है और एडिड स्कूल्स की 94.44% हैगी है। इस तो अलावा जड़े साढ़े इस एग्जामीनेशन दे टॉपरस है वो सारिया ही पोजिशन साड़िया धियां कोल हैगी है। और सब तो वधिया गल हैगी है कि साड़िया दो बच्चिया जड़िया पहले तो दूसरे नंबर पर आई हैं वो साढ़े सरकारी स्कूलों दिया विद्यार्थन है लवप्रीत कौर पुत्री सरदार कुलविंदर सिंह सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल बुढ़लाडा की स्टूडेंट है ये 600 to 600 नंबर है। उस तरह ही गुरअंकित कौर पिता का नाम सरदार सुखविंदर सिंह इस बच्ची के नंबर भी 100% है। सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल बुढ़लाडा की स्टूडेंट है जिला मानसा की। उस तरह ही समरप्रीत कौर पुत्री सरदार जगदेव सिंह गुरु नानक पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल बसियां लुधियाना की विद्यार्थी है और ये 99.67% है। इस गल तो बड़ी एक जा रही है, कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड तिया की सिक्ख्या वास्ते पूरी तरह जड़ा मुस्तैद है और हर संभव असी प्रयत्न कर रहे हैं कि साड़िया जड़िया पंजाब दिया बच्चिया ही हैं वो सिक्ख्या तो महरूम भी ना रहन और अपनी परफॉर्मेंस दे नाल जड़ा है वो उच्चिया कामयाबियां प्राप्त करन और पंजाब दा नाम सिर्फ भारत विच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे विच जड़ा है वो आने वाले टाइम दे विच जड़ा है फैलान। सो पिछले साल के मुकाबले साड़ी पास परसेंटेज बिल्कुल मेनटेन रही हैगी है। कोई उहदे विच कोई बहुत कोई डिकलाइन नहीं नोट किया गया है। सबजैक्ट वाइज भी मैं एक बार जरूर दसना चाहवागा कि साड़ी माँ बोली पंजाबी दे विच जड़ी पास परसेंटेज हैगी है बच्चों की वो सब तो ज़्यादा है। पंजाबी दे विच 263,811 विद्यार्थी अपीयर होए 263,270 विद्यार्थी पास होए पास परसेंटेज 99.79% नोट की गई। यदा मतलब यह भी है कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों पंजाब की माँ बोली पंजाबी दी सिक्ख्या दे उत्ते लगातार खास तवज्जो दी जा रही हैगी है। रिंदर जी किहड़े ज़िले ने सब तो ज़्यादा इस बार टॉप किया जी जिला वाइज जी परफॉर्मेंस है मैं वैसे कोई भी जिला जो टॉप करता तो मैं बराबर की खुशी होंगी पर मैं देखिए कि साडा जड़ा बॉर्डर जिला है साडा सेंसिटिव जिला है जिदे विच सिक्ख्या की सहूलत की कमी तो कोई नहीं हैगी लेकिन कई बार असी महसूस कर लें। पठानकोट के 6,141 स्टूडेंट अपीयर होए 6,100 स्टूडेंट पास होए और हाईएस्ट पास परसेंटेज 99.33 99.33% नोट की गई। बाकी जिले की भी जी पास परसेंटेज हैगी है दैट वो किधरे भी 97% के कोल तो थले नहीं गई। यदा मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हैगा कोई एक अद्धे परसेंटेज का मैक्सीम किधरे डिफरेंस नज़र आ रहा है। यदा मतलब पंजाब के सारे ही जिले सिक्ख्या के खेत्र के खास तौर पर जी सा प्राइमरी सिक्ख्या हैगी है वो बहुत ही बेहतर सानू इंडीकेटर
ਦੇ ਰਹੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 360 ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ, ਅਤੇ ਰੀਅਪੀਅਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ? ਰੀਅਪੀਅਰ ਦੀ ਫਾਰੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ 97% ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿਧਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 360 ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ, ਅਤੇ ਰੀਅਪੀਅਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ? ਰੀਅਪੀਅਰ ਦੀ ਫਾਰੁਖ ਸਾਹਿਬ 5791 ਰੀਅਪੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਰੀਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ? ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਦ ਇਨ 2 ਮੰਥਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ 'ਤੇ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 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 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ PSEB ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, PTC ਨਿਊਜ਼।